हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्या करने चले हैं, डिस्कस करने चले हैं। आज का जो बिंदु है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटी, गुरुत्व देखेंगे, क्या गुरुत्व देखेंगे। और गुरुत्व से पहले हम लोग क्या देखेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, उस पर हम लोग क्या पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्व पर डिस्कस करते हैं, अर्थात ग्रेविटी पर डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे देखा जाए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, आपकी हेडिंग है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ये हेडिंग है, इसको देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी, क्या किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव विमान पर रखे एकांक द्रव्यमान, क्या रखे एकांक द्रव्यमान, रखे एकांक द्रव्यमान पर रखे द्रव्यमान एकांक द्रव्यमान पर जितना बल क्या करता है, कार्य करता है, उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, ये जो परिभाषा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। जैसे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान, मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए देखिए, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, और इनकी तरंगे इस प्रकार निकल रही हैं। ये देखिए ध्यानपूर्वक, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी बिंदु पर, क्या किसी बिंदु पर, हम लोग क्या कहते हैं, किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान, क्या एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करेगा, यानी कि इस एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करेगा या कार्य करता है, तो उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड पर, किसी मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस पर कोई द्रव्यमान रखा जा रहा है, यानी कि किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करेगा, मान लीजिए कोई द्रव्यमान, कोई पिंड है, उस पर जितना बल कार्य करेगा, वही उस पर उस बिंदु पर क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। ओके, अब जैसे कि इसका जो फार्मूला है उसको हम लोग क्या करते हैं, फोकस कर लेते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर आई बराबर होता है दोस्तों, आई बराबर एफ बटे क्या होता है, एफ बटे क्या होता है, यम, एफ बटे यम। अब देखिए, ये आई मेरा है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। आप कहेंगे सर, यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय कह दिया तो यहाँ पर जी कार्य करना चाहिए, या अगर त्वरण लग गया तो ए कार्य करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है, यहाँ हम लोग आई से इसको डिनोट करेंगे, यह बटे यम। हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं, बल तथा द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग,
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ये भी कहेंगे, ये आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, तो सदिश रूप जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये वेक्टर ए वेक्टर आई बराबर वेक्टर एफ, यम क्या हो जाएगा, यम पर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, मेरा अदिश में आता है। इसके अकॉर्डिंग देखिएगा ध्यानपूर्वक, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी कह सकते हैं आई बराबर क्या, आई बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये तीन सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। इसलिए अभी आपको कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्या करना, अध्ययन करना है। ओके, इसको रख दिया जाए दोस्तों। अब हम लोग गुरुत्व पर चलते हैं। गुरुत्व की सिंपल सी परिभाषा है, हम बताते हैं, अभी रुके रहिए आप। अब जैसे गुरुत्व का जो प्रोसेस है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटी। ओके, गुरुत्व हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, गुरुत्व वह आकर्षण बल है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी क्या, जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है या खींच लेता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्व कहेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, गुरुत्व वह आकर्षण बल है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, गुरुत्व कहेंगे अर्थात ग्रेविटी कहेंगे। ये आपकी परिभाषा हो गई क्लियर। अब इसी के आगे हम लोग इसी के कुछ नए बिंदुओं पर क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए जो प्रोसेस अब बताए जाएंगे, ये आपको ये बताया जाए कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होगा, ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आने पर क्या प्रोसेस होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि पृथ्वी का मान यदि हर स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है तो क्या ऊपर जाने पर उनके मान का भी क्या कर सकते हैं हम लोग, निर्धारण कर सकते हैं अर्थात उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ एक क्लास या दो क्लास में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या हो सकेगा इन्हीं दो क्लासों तीन क्लासों में क्या किया जाएगा, इसको पूर्ण रूप से डिस्कस कर दिया जाएगा। ओके, रब किए। अब देखिए, अब जैसे कि हम लोग देखने चल रहे हैं कुछ नए तथ्यों पर, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो नया बिंदु है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी क्या, जिसको हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी, पृथ्वी के गुरुत्वी, पृथ्वी के गुरुत्वी त्वरण, त्वरण गुरुत्वी त्वरण जी स्मॉल जी। ओके, तथा गुरुत्वाकर्षण क्या, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या, स्थिरांक कैपिटल जी क्या, कैपिटल जी में संबंध। ओके, संबंध जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में स्मॉल जी और कैपिटल जी, स्मॉल जी व कैपिटल जी में अंतर देखा था, आज संबंध देखेंगे इन दोनों के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अब जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है, इसके आधार पे हम लोग कुछ नए तथ्य जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर यदि देखा जाए, माना पृथ्वी, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान यम ई, कैपिटल में यम ई लिखेंगे और जो यम है वो कैपिटल में रहेगा, ई बेस में रहेगा, वो भी स्मॉल में रहेगा, ई है। तथा इसकी त्रिज्या क्या, तथा इसकी त्रिज्या, तथा इसकी त्रिज्या कैपिटल आर ई क्या, कैपिटल आर ई है। तथा क्या, तथा
या तथा मत लगाइए, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पृथ्वी, क्या पृथ्वी, पृथ्वी के ही बारे में पूर्ण रूप से क्या हो रही है, डिस्कस हो रही है। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर साकेंद्रित है, उसके केंद्र पर क्या है, साकेंद्रित है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, माना क्या, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल यम है, ओके। हाँ तो यहाँ पर ये आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, क्या गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जी एम ई, फिर स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, ये मेरा पृथ्वी का क्या है, द्रव्यमान है, और बटे क्या है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर ई, और आर ई क्या है, पृथ्वी का जो त्रिज्या है उसके अनुसार देखा जा रहा है। तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या बना लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं, ओके। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर पुनः एक क्या लाइन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बल यफ, क्या बल यफ के कारण, बल यफ के कारण ही वर्षण त्वरण स्मॉल जी उत्पन्न स्मॉल जी उत्पन्न उत्पन्न होता है होता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, अब इसके अनुसार हो जाएगा, अर्थात न्यूटन के अनुसार, क्या न्यूटन के अनुसार हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूटन के अनुसार ये आप कह सकते हैं कि बल यफ बराबर होता है क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पर द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान ही लिखेंगे, अर्थात यम ही लिखेंगे, इंटू त्वरण। त्वरण को हम लोग इस प्रकार भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ ये कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ना कि स्मॉल ए रहेगा, ओके। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग ये न्यूटन ने बताया थे कि जब यहाँ पर त्वरण रहेगा तो ये कार्य करेगा, अगर गुरुत्वीय त्वरण हो गया तो यहाँ स्मॉल जी कार्य करने लगेगा, तो यहाँ यफ बराबर हो जाएगा, यफ बराबर यम जी। इतना हुआ प्रोसेस। अब देखिए मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, इसके आगे सिद्ध करता हूँ, ओके। तो यहाँ ये बताया जा रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध हो। तो यहाँ ये प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई स्मॉल ई है और कैपिटल यम है तथा इसकी त्रिज्या आर ई है, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर साकेंद्रित होता है या साकेंद्रित है अर्थात उपस्थित है। तो माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है, माना कोई वस्तु ले लिया जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल
लगाया गया आकर्षण बल यम बराबर जी कैपिटल यम ई यम अपॉन आर ई का स्क्वायर। हमारा यम ई क्या है, ये जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, और ये क्या है एक कोई पिंड है, और ये आर ई क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है। ओके, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है बल यम के कारण ही वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण जी त्वरण उत्पन्न होता है। न्यूटन के अनुसार बल यम बराबर द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान क्या है यम है इंटू गुरुत्वीय त्वरण जी है, ना कि यहाँ ए मानेंगे बल्कि यहाँ जी मानेंगे, तो यहाँ यम बराबर यम जी हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं कुछ और नए बिंदु। ओके, इसी के आगे इसी को अभी सॉल्व करेंगे, इसी को अभी क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो आपको आगे चल करके बहुत काम देगा। फिलहाल ये तो इंटर में है नहीं, लेकिन आपको जब कंपटीशन तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपका बहुत ही इससे मदद मिलेगा। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि यफ का मान यफ का मान यफ का मान इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकेंड, या इस प्रकार समीकरण एक का मान क्या समीकरण एक का मान समीकरण क्या समीकरण दो में रखने पर क्या दो में रखने पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर दो में जब रखेंगे दोस्तों तो दो में यहाँ जब रखा जाएगा तो यफ बराबर क्या रखा जाएगी ये पूरा पर्सन रखे जाएंगे, यानी कि कैपिटल जी यम ई यम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ओके, बराबर है बराबर यहाँ लगाइए, यम जी है यम जी लगा दीजिए, और यहाँ पर हमारा ये दिखाई दे रहा है कि स्मॉल यम यानी कि जो द्रव्यमान था किसी पिंड का वो क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ मेरा हो जाएगा स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा जी यम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ओके, ये मेरा सूत्र का क्या हो गया निगमन हो गया, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोग थोड़ा इस पर क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जो प्रोसेस है, जैसा कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या कैपिटल जी में संबंध। ओके, प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर यह प्रोसेस हो जाएगा कि जो भी मान इसमें आएंगे जो भी मान आएंगे उसको हम लोग उस तरीके से देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हों। जैसा कि यहाँ मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ मैंने न्यूटन के बारे में बहुत सी बातों के अनुसार यानी कि न्यूटन के अनुसार ही मैंने क्या किया सूत्र का क्या किया निगमन किया, और न्यूटन जो है न्यूटन ने ही कहा था कि जब किसी पिंड को हम किसी कैपिटल यानी कि बड़े पिंड के साथ क्या करेंगे संपर्कित करेंगे आकर्षित करेंगे, या हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पृथ्वी किसी छोटे पिंड या बड़े पिंड को अपने ओर क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण से क्या करते हैं अपने केंद्र की ओर क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, तो उसके अनुसार उन्होंने क्या किए ये ग्रेविटी स्मॉल जी बराबर ये सूत्र का क्या किए निगमन कर दिए। बल्कि ये जो सूत्र है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी हम लोग आने वाले प्रोसेस यानी कि आने वाले क्लासों में क्या करेंगे समझेंगे, यानी कि यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये हम लोग समझ सकते हैं न्यूमेरिकल क्या किए जाएंगे करवाए जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।